आज मैं आपका खांसी जुकाम, कफ, कोल्ड और कंजेशन को लेकर बना हुआ एक सालों पुराना विचार बदलने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सर्दियों में कफ, कोल्ड, कंजेशन और खांसी जुकाम जैसी कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन हो जाती हैं। जब कभी भी आप कफ, कोल्ड की चपेट में आते हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कफ, कोल्ड की मेडिसिन दे देता है। कई बार आप अपने केमिस्ट से भी जाकर कफ, कोल्ड की दवाइयाँ ले आते हैं। दवाइयों के साथ आप एक और थेरेपी यूज़ करना शुरू करते हैं। आप लेके आते हैं वेपोरब, यानी कि जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये वेपोरब आप यूज़ करते हैं। और वेपोरब यूज़ करने के लिए आप क्या करते हैं, वेपोरब को नाक, गले और छाती पर लगाते हैं। और नाक, गले, छाती पर लगाना तो ठीक है, आप उसके साथ साथ उसकी भाप भी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको आज यही बात बताने जा रहा हूँ कि इसकी भाप लेना कितना सेफ है। इसके लिए आप बस इसके ही कंटेनर पे जो रैपर लगा हुआ है, उस रैपर को आप ध्यान से पढ़ें। उस पे एक पॉइंट है कॉशन। कॉशन में साफ साफ लिखा हुआ है, यूज एज डायरेक्टेड, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, वो भी कैपिटल लेटर्स में आप देखें तो। आप चाहें तो किसी डॉक्टर से या किसी भी फार्मासिस्ट से ये पूछ सकते हैं कि फॉर एक्सटर्नल यूज का मतलब क्या है। आप खुद भी अगर अपने आप सोचें तो फॉर एक्सटर्नल यूज़ का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप उसको अपने बॉडी पर एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर, जैसे मुंह, नाक या और कहीं भी, आप इसको इंसर्ट नहीं कर सकते। मतलब ये सिर्फ एक्सटर्नली ही अप्लाई हो सकता है। डोंट टेक बाय माउथ और प्लेस इन नॉस्ट्रिल्स, मतलब आप अपने मुंह में भी नहीं लगा सकते मुंह के अंदर इसको, और नॉस्ट्रिल्स यानी अपनी नाक के छेदों में भी इसको नहीं लगा सकते, जो हम आज तक करते आए हैं। आप देखिएगा, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब बच्चों से दूर, असिस्ट फॉर ओवर अ वीक और इफ यूज्ड बाय चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर्स, मतलब यहाँ कंपनी साफ साफ बता रही है कि आप 2 साल से छोटे बच्चों के लिए इसको यूज ही नहीं कर सकते। देखिए, इसके अलावा इसमें यह भी लिखा हुआ है कि डू नॉट यूज ऑन ब्रोकन, डैमेज और बैंडेज स्किन, मतलब घाव वाले एरिया पे भी आप इसे नहीं लगा सकते। सपोज आपकी नाक में भी कोई घाव हो रहा है, नाक के ऊपर आप लगा रहे हैं, तो वो भी लगाना आपका गलत होगा। इसके बाद मेन पॉइंट आता है, आप वो देखिए, स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन के बारे में कंपनी क्या कहती है वो देखिए, डोंट ऐड वेपोरब इनटू बॉइलिंग वाटर, डू नॉट हीट और रीहीट यूजिंग स्टोव, माइक्रोवेव वेपोरब टुगेदर विद वाटर। स्टीम इनहेलेशन इज सुटेबल फॉर यूज ऑन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन मोर देन 6 ईयर्स, मतलब आप ये देखिए कंपनी इसके कॉशन को इतना ही कंफ्यूजिंग वे में डिस्क्राइब कर रखा है इसको, कि आप इसको यूज करें कैसे करें, ऊपर दे रखा है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, और नीचे बोल रहे हैं कि भाई आप इसको अडल्ट्स अगर है तो वो 6 साल या 6 साल से बड़ा इंडिविजुअल इसको यूज कर सकता है, स्टीम इनहेलेशन भी कर सकता है। और उससे पहले उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, अगर स्टीम इनहेलेशन कर रहे हैं तो समवेयर आप उसको इनहेल कर रहे हैं, आप उसको इंटरनल यूज कर रहे हैं। जब आपने ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज, तब कंपनी खुद में कंफ्यूजिंग वे में इसका कॉशन डिस्क्राइब कर रही है, क्योंकि अगर आपने एक बार मेंशन कर दिया इट इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, देन इट शुड बी फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। लेकिन ये आगे इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि इसका कंफ्यूजन क्रिएट रहे। फ्रेंड्स, आप इस बारे में अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर से ये पूछेंगे कि मैं वेपोरब का इनहेलेशन करना चाहता हूँ, तो आपका डॉक्टर आपको साफ साफ मना कर देगा। और यही होता आया है, पेशेंट्स ज़्यादातर अपने आप इसको यूज़ करते आए हैं और इसका इनहेलेशन करते आए हैं। हालांकि अगर आप देखें तो हमारे लंग्स के लिए इसका इनहेलेशन सेफ नहीं है। फ्रेंड्स, कफ, कोल्ड एंड कंजेशन में कफ पेशेंट के लंग्स यानी फेफड़ों में फंस जाता है, और आप जानते ही होंगे कि हम फेफड़ों की मदद से ही सांस लेते हैं। फेफड़ों में छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होती हैं जिन्हें एल्वेलाइज कहते हैं। इन्हीं एल्वेलाइज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जिससे सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन फेफड़ों में आ जाती है और शरीर द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ये पूरा प्रोसेस फेफड़ों यानी लंग्स में होता है।
लेकिन कफ कोल्ड और कंजेशन में। जब कफ एल्वोलाइज में फंस जाता है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बहुत स्लो हो जाता है, जिससे पेशेंट हाँफने लगता है और खांसने लगता है। ऐसी स्थिति में स्टीम इनहेलेशन फेफड़ों में फंसे कफ यानी बलगम को ठीक उसी तरीके से निकालने में मददगार होता है जैसे मोम को गर्म करके किसी भी सतह से साफ आसानी से किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग स्टीम इनहेलेशन का गलत मतलब निकाल लेते हैं और पानी में वेपोरब डालकर स्टीम लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ सजेशन आपसे ये है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी आप वेपोरब डाल के स्टीम इनहेलेशन लेना चाहें तो उससे पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। कहीं ऐसा ना हो आप अपने जुकाम को सही करने के लिए अपने आप को और बीमार कर लें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इसी तरीके का वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऑल्सो, सो दैट मैं कभी भी आगे नए वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वाले लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि वेपर अप का सही यूज़ किस तरीके से किया जाता है।